नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन रजिस्ट्री को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों को जितनी जल्दी हो सके निपटारा किया जा सके। बता दें कि बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, जिससे कि सरकारी जमीन और रैयत की जमीन की पहचान कर उसको कब्जा मुक्त करवाया जा सके और लंबे समय से चली आ रही आपसी बेमनस को भी समाप्त किया जा सके। बता दें कि बिहार में अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े हैं, जिससे कि पारिवारिक रंजिश के कारण इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने जमीन में रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। बता दें कि बिहार सरकार ने पहले 125 निबंधन कार्यालयों में 20% रजिस्ट्री मॉडल डीड से करने के अनिवार्य मामले को जो है आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार कातिब या फिर ऑफिस खर्च के नाम पर लिए जाने वाले खर्च की राशि को अब बंद कर दिया है। ऐसे में अब लोग खुद ही डीड को भरकर निबंधन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर किसी जमीन का निबंधन करवाते हैं तो एक डीड को रजिस्टर करवाने के लिए आपको कातिब के रूप में जो है 2,000 से 5,000 रुपये देना पड़ता है। अगर हम बिहार में पिछले साल यानी कि साल 2021-2022 के डीड की संख्या को देखें तो यह 12 लाख डीड रजिस्टर्ड हुए थे। डीड को लेकर अब जिला निबंधन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, या फिर आप निबंधन विभाग की वेबसाइट पर डीड का मॉडल डाला गया है, वहाँ भी जाकर जो है आप मदद ले सकते हैं और वहाँ भी आप फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में डीड का मॉडल डाला गया है, हम उसे आसानी से भर सकते हैं, यानी कि उसे देखकर हम अपने डीड को आसानी से भर सकते हैं। इस तरह के डीड ऑनलाइन होने से कातिब की मदद नहीं लेनी होगी, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। बिहार सरकार ने जहां कातिब को समाप्त कर दिया है तो वहीं नवीसों के लिए लगने वाले सेड को भी समाप्त करने की बात कह दी है। इस तरह से पिछले 40 साल से चले आ रहे नवीसों के सिस्टम को भी समाप्त करने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि वर्तमान समय में निबंधन कार्यालय में पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कातिबों को बैठने के लिए जगह नहीं उपलब्ध हो सकता। साथ ही साथ विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि इन दिनों रजिस्ट्री करवाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण यह भी जो है एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है। इधर दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि मॉडल डीड पर रजिस्ट्रेशन करवाने की परंपरा शुरू होने से दलाली को बढ़ावा मिलेगा। अभी रजिस्ट्री के डीड लिखने वालों को दस्तावेज पर लाइसेंस नंबर और हस्ताक्षर करना होता है। बाद में अगर रजिस्ट्री में किसी तरह की गड़बड़ी होती है उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में होने वाले कुल रजिस्ट्री के 20% रजिस्ट्री मॉडल डीड से करवाने का निर्देश दिया गया है। आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 100% किया जाएगा। तो एक तरह से कहें कि जमीन से जुड़े मामलों को जितनी जल्दी हो सके निपटारा किया जा सके या फिर उसे इतना सरल किया जा सके ताकि आम लोग जो है जमीन से जुड़े मामलों को आसानी से समझ सके और उस पूरी प्रक्रिया को कर सके, इतना सरल बनाने की प्रक्रिया में बिहार सरकार है। ऐसे में देखना है कि जितने मामले अभी वर्तमान में निकल कर सामने आ रहे हैं उसे कैसे बिहार सरकार निपट सकती है और उसके लिए और क्या क्या नए कानून बनते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।